अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं और 1998 से हम देख रहे हैं कि 1998 से कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। और हमेशा इस वक्त बिलखसूस आजकल के दौर की हम बात करें, जब बुरहान वानी की शहादत के बाद से जो अपराइजिंग शुरू हुई वहाँ पे, तो भारत की मुसलसल कोशिश है कि पाकिस्तान में बदमनी फैलाए और साथ ही साथ LOC पे भी उसकी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। हम हर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं इन तमाम चीज़ों को, हम इंडियन पर्सपेक्टिव जो है वो भी आपके सामने होता है, पाकिस्तानी और कश्मीरी पर्सपेक्टिव भी आपके सामने होता है। एक पर्सपेक्टिव जिस पे हम हमेशा राय लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का क्या कहना है या बाहर के लोग जो हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस कश्मीर को, क्योंकि एक शिकायत ये की जाती है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया। प्लेबिसाइट की वहाँ पर बात हुई, उनके हक़ खुद इरादियत की और राय शुमारी का हक़ देने की कश्मीरियों को उन्होंने करारदाद ज़रूर मंजूर की, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस ने किरदार ईस्ट तैमूर के हवाले से अदा किया उसको कश्मीर के हवाले से नहीं किया। ये गिला हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस और उनकी सिक्योरिटी काउंसिल से किया जाता है। तो क्या सोच वहाँ पे रखी जाती है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा दूँ, जनाब जमाल अहमद कैसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप डिप्लोमेटिक कमिश्नर फॉर UN अफेयर्स हैं। जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप DC कमिश्नर फॉर UN अफेयर्स हैं, ज़रा मुझे बताइए ये थिंक टैंक है ये क्या है, ये किस तरह से आप लोग काम करते हैं और आपके इसका मकसद क्या है इस पूरे थिंक टैंक का? अच्छा, कौमी मुत्तहिदा में भी और वैसे भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में एक व्यू चाहिए होता है जो कि किसी को जो बाहर की नज़र से चीज़ को चेक कर सकता हो। उसमें जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें काफ़ी सारी NGOs, बहुत सारी थिंक टैंक्स और यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी उसमें कुछ शामिल होते हैं, ताकि व्यू लिया जा सके कि अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान का डिब्यूटर जगह पे है, लेकिन ये क्या समझते हैं एज ए न्यूट्रल बेस। तो उसमें मैं कुछ सालों से यूनाइटेड नेशंस में एज ए कमिश्नर काम कर रहा हूँ और मेरा काम ये होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का एक मसला चल रहा है, जैसे आपने ये पढ़ा, मैंने लिखा कश्मीर के ऊपर, तो एक आउटसाइडर का क्या व्यू है, तो वो उसी तरह पहुंच जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद फिर लोग सोचते हैं अच्छा इनकी भी व्यू ले लो। ये इसको इसका ब्रीफ। अच्छा, ये अब जरा मसला है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि एक हम बात करते हैं कि तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। और मसला है कश्मीर जो है, और कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर तो मेरी जेब में है, जब कश्मीर के हवाले से बात हुई, तो उस वक्त कायदे आज़म की क्या सोच थी, फिर ये कश्मीर का मसला जो है ये मसला बना कैसे, क्योंकि ये भारत खुद जो है यूनाइटेड नेशंस लेकर गया, वहाँ उसने करारदाद भी उनकी मंजूरी, लेकिन उसके बाद UN की उस करारदाद पे अमल नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरू से अगर आप जब देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कश्मीर को? अच्छा, इसमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी, मैं थोड़ी सी इंटरनेशनल व्यू दूंगा चूँकि पाकिस्तान व्यू आपके पास है। उसमें यह था कि कायदे आज़म ने यह देखा कि जब मुल्क, जब हम इंडिपेंडेंसी मिलनी शुरू हो गई, उनका काम शुरू हो गया, कि जो मुसलमान हैं पाकिस्तान इंडिया में, चूँकि वो मिनॉरिटी हैं और मिनॉरिटी होने की वजह से उनको अपने जुडिशरी राइट्स नहीं मिल रहे। मेरा मतलब है कई फैसले कई पब्लिश लोगों ने किया हुआ है कि ये फैसला हुआ, इसमें हिंदू को राइट मिल गया, सिख को राइट मिल गया, बनता मुसलमान का था, तो ये उसकी कोर बेस थी। एक सिचुएशन आ गई जब मुस्लिम लीग में जो कायदे आज़म की पार्टी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपना मुल्क चाहिए। तो मैं ये नहीं समझता कि मुसलमान इतने कमज़ोर हैं कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी कमज़ोर है कि वो हिंदुओं को बर्दाश्त ना कर सके या उनसे चल ना सके, वो बड़ी मोहब्बत से चल सकते, बल्कि मुसलमान का मतलब ये होता है कि वो मुसलमानों का काम तो करता ही है, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखों की भी और ईसाइयों की भी और यहूदियों की भी और हिंदुओं की, सबका ख्याल करना है। जब ये बात पेश हुई, उस पर फिर आप जानते, गांधी साहब नहीं चाहते थे और नेहरू साहब नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मुल्क इकट्ठा रहे, हम एक यूनियन रहे। लेकिन जब फैसला हो गया कि अब किस तरफ जाना है, आवाज़ बन गए, तो उसमें फिर फैसला ये हुआ कि जो जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, ये आपको पता ही है,
वहाँ वो मुसलमानों का मुल्क हो जाएगा, और जहाँ पे हिंदू सिख ईसाई ज़्यादा हैं वो हिंदुस्तान हो जाएगा। तो इस पे ये मुल्क डिवाइड होना शुरू हुआ। जब और इस हवाले से तो कश्मीर फिर पाकिस्तान के उसके साथ नहीं, उसमें नहीं आता, क्योंकि जितनी प्रिंसली स्टेट थी ना उनके जो महाराजे थे ना उनके पास अपना अच्छा राइट था। देखो डिसाइड वो महाराजों का वहाँ पे फिर हुआ, उनका अपना राइट था, वो उसमें आते नहीं थे। हाँ, इस सोच के साथ जो आयदर कायदे उनकी सोच थी उसमें तो ज़रूरी था उस मसले का हल, चूँकि उनको उनकी उनको बरतर हमारे साथ ही, चूँकि मुसलमान 90% हैं तो उन्होंने कहाँ जाना है, वो हमारे साथ ही जा सकते हैं। तो लेकिन जब वहाँ पे जब वो वक्त आया जब मतलब डिवाइड हो गया 1947 में, तो जो वहाँ का महाराजा था वो ना इंडिया की तरफ जाना चाहता था ना वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था। वो कहता है अगर मैं इंडिया चला गया तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो हिंदू सिख नाराज़ हो जाएंगे। तो वो चाहता था कि मैं न्यूट्रल रहूँ, मैंने किस तरफ नहीं जाना। लेकिन अब ये हिस्टोरिकल दो बातें हैं ना, जो वेस्ट में कहा जाता है कि पाकिस्तानी पश्तून से जब अटैक किया, तो जब अटैक किया उसको उसके उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर, तो उसको एक डिसीजन लेना पड़ा। बेशक उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, वो ये कहते हैं, और वो गया इंडिया की तरफ, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें साथ मिला लेते हैं, लेकिन लेकिन तुम पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करो, यानी कि तुम लिखो कि तुम पार्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो उसने किया, ये बात बिल्कुल सीधी है। ठीक, तो जब उसने ये कर दिया तो उसके बाद वो पाकिस्तान ने कहा कि ये फ्रॉड है, चूंकि इसने हमारे इंस्ट्रूमेंट इसने स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि मैं किसी तरफ नहीं जाऊँगा। वो ये कहता है कि आपने मेरे पे अटैक कर दिया, मैं क्या करता। ये वो सोच है जो कि इस वक्त वेस्ट में जो चीज़ बताई जा रही है, जो वहाँ पे है। ठीक है, मैं आपसे कंटिन्यू रखूँगा गुफ्तगू का सिलसिला, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। जमाल अहमद कैसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मसला है कश्मीर, मसला बना कहाँ से, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तारीख के कुछ और आप जो हैं वो पीछे से पलट रहे थे। 9 जनवरी 1948 को भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले को लेकर गया। बिल्कुल जी, जब वहाँ वो इस बहाव पे ले गया, उसने कहा अब तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, जो रेजोल्यूशन पहले पास हुए थे डिवाइड करने को कंट्रीज के लिए अंडर लॉर्ड माउंटबेटन, अब उसके कोर में जाएँ तो वो कायदे आज़म की बात ठीक है, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान ना, और लेकिन उस अगर महाराजा हरी सिंह की तरफ जाएँ तो वो कहते हैं अपराइजिंग शुरू हो गई है। नाज़रीन के लिए, जमाल कैसर साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं, ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो यूएन के दिमाग में है, जो वो लोग सोचते हैं। यूएन ये नहीं देख रहा कि उनको वहाँ पे कितना कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वहाँ पे पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में सिर्फ पत्थर है उनके ऊपर वो बंदूकें इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी स्टेट मशीनरी वहाँ पे उन्होंने लगाई हुई है। वहाँ पे जो डी मिलिटराइज की बात की गई थी, यूएन ने ही कहा था कि आप उसको डीमिलिटराइज करें और मिनिमम फौज वहां पे रखें लॉ एनफोर्समेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए। क्या यूनाइटेड नेशंस को ये सारी चीजें जमाल साहब नजर नहीं आ रही जो वहां पे हो रहे हैं? अब आगे बात, अब बात आ गई इंडियन जुल्म की, उस पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसलिए जो इंटरनेशनल व्यू ये है कि देखो तुम लोगों ने रख तो लिया इंडिया वालों को, रहे तो तुम्हारे साथ प्रॉपर नहीं है। उसकी मैं छोटी सी मिसाल के तौर देता हूँ कि इस जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर एक बीवी भी छोड़ के जाना चाह रही हो तो बंदा उसको कंट्रोल नहीं कासता, तो कितना बड़ा कश्मीर है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो उसमें जो यूनाइटेड नेशंस पे आप वापस आते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस ने तो बहुत पहले ही ये कह दिया था रेजोल्यूशन 47 में। हाँ, आ जाते हैं रेजोल्यूशन क्या हुई, तो 20 जनवरी 1948 को जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास की, क्या था उसमें? तीन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि जो इंडिया जो पाकिस्तान है वो अपनी फोर्सेज बाहर निकालें, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि इंडिया जो अपनी जो उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिमम पे लेके आए, और तीसरा मिनिमम फौज वहाँ फौज रखे ताकि वो मुल्क में बताओ आप पुलिस आज कराची से उठ के चली जाए तो सत्यानाश हो जाएगा 24 आवर्स में, तो स्टे देयर फॉर सिक्योरिटी। और थर्ड ये था कि आप एक प्लेबिसाइट करवाएं, यानी आप उसको रिकमेंड करें, उसको उसको यूनाइटेड नेशंस नॉमिनेट करेगी, और दैट विल द वे इट विल हैपन। क्या इंडिया ने किया? नहीं, इंडिया ने कहा, इंडिया ने कहा कि हम इस बात को मानते नहीं, नहीं मानते, नहीं मतलब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में खुद लेके गया, वहां पे उन्होंने करारदाद मंजूर की और अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन हमने तो देखा ना, इंटरनेशनल
व्यू के साथ इकोनॉमीज को देखते हुए एक पेपर लिखा। पाकिस्तान का मौकफ है कश्मीर में जो इस वक्त उनकी राइट ऑफ फ्रीडम जो फाइट है वहाँ पे उनकी इंडिजिनस एक ये तहरीक है और वहाँ पे बुरहान वानी क्या आपने देखा उसके बाद से क्या इस वक्त पूरी पूरी दुनिया में सूरत हाल आपके सामने है। तो पाकिस्तान उनकी अखलाकी सिफारती मदद हमेशा करता रहेगा और पाकिस्तान चाहता है कि ठीक है आप उनको हक खुद इरादियत दें सेल्फ वहाँ पे जो प्लेबिसाइट था वो दें वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। बिल्कुल ठीक बात। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। नाज़रीन जमाल कैसर साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक जमाल कैसर साहब, आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, मैं ऑब्जर्वर आपको कहूँगा, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस या आप लोग इंडिया में एक एक, एक कश्मीर को आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक तहरीक आज़ादी जा रही है, भारत में कितनी तहरीकें इस वक्त चल रही हैं वहाँ पे आज़ादी की आसाम से बंगाल तक और कितने वहाँ पे इशूज़ हैं भारत में? वो ठीक है लेकिन मेरी भी जब इंडियन डेलीगेशन से बात होती है ना तो हम उनको पता क्या कहते हैं इंटरनेशनल में, हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पे इतनी भूमि की इकोनॉमी है, अब मुल्क इतना ज़बरदस्त चल रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी जर्मनी इतनी स्ट्रांग हो गई है, जब तक आप लोगों ने कश्मीर का मसला हल ना किया आप इससे आगे तरक्की नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आके इसको इस पे पीस लाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद पाकिस्तान को भी थोड़ा टाइम और कमों में लगा हुआ है लेकिन आपकी तो सारी चीज़ स्काई इज द लिमिट। तो वो ये कहते हैं हम वैसे पार्ट नहीं छोड़ सकते ना, हमारा पार्ट बनता है ना, लेकिन हमारा उनके बारे में ये व्यू है कि दे हैव टू कम आउट ऑफ इट, ये इंडिया को मार देगा पकड़ के। चूँकि हुआ तो देखें ना, ये इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो आपको हमारी इकोनॉमी का पता है, अभी 10,000 पॉइंट्स हमारा हमारी स्टॉक मार्केट गिरी है, वर्स्ट हो गई यूरोप एशिया में जो बेस्ट थी, हम जो करते हैं उसमें हमारा भी सक्सेस नहीं होता। सर वर्स्ट कहाँ हुई? वर्स्ट तो वर्स्ट एशिया हुई जब ये नवाशी साहब गए। नहीं 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 कुछ नहीं, हमारे हमारे हमारी स्टॉक मार्केट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 पे है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बड़ी रेजिलिएंट मार्केट है, एक 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 दिन में अगर 2,000 पॉइंट गिरती है तो 4,000 पॉइंट बढ़ भी सकती है, इतना पोटेंशियल है उसमें। लेकिन लेकिन मैं पढ़ रहा था पिछले दिन पाकिस्तान का आर्टिकल 500 बिलियन का पाकिस्तान, ये हो सकता है कि थोड़ी वो सोचो कि जो जो कि यहाँ से गलत सिग्नल्स जाते हैं या गलत सिग्नल्स भेजे जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये भी हो सकता है। लेकिन पता क्या, ऑब्जर्वर ये भी देख रहे होते हैं ना कि अगर मिसाल के तौर पे आज आपका बहुत पैसा पड़ा, यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन मार्केट, यू विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ना। तो एक चीज जो जो कुछ साथ पे इफेक्ट्स होते हैं जब गवर्नमेंट गिरने लगती है या प्रॉब्लम होती है, अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मुल्क पे आते हैं ना। कमिंग बैक टू के डी मिलिटराइज किया जाए वहाँ पे, और इस वक्त भारत की तो वहाँ पे कितने लाख की फौज है? ये तो पहली बात होगी ना, चूंकि उसका राइट था इसको मदद दे देता। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो जो चाहे करें, जिस तरह के जुल्म करना चाहे करें हैं। ये नहीं बात, देखिए अच्छा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को वो अपने यहाँ नहीं आने देते, वहाँ पे जराए ब्लाक के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, पूरी दुनिया में कोई आवाज नहीं है इस वक्त। मतलब इंटेग्रल पार्ट का ये मतलब अगर वो क्लेम करते हैं तो उसका ये मतलब इंटेग्रल पार्ट वो बॉम्बे में ऐसा करना चाहिए वो भी गलत है ना, ये तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उस वक्त एक 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 प्लान बनाया गया, कह लें आप उसको इजी वर्ड्स में, एक रेजोल्यूशन पास की टू स्टेट्स की, उसमें यही फैसला था जो फैसला मैं आपको बता रहा हूँ। वो मिसाल के तौर पर दो मुल्क इतने बड़े डिवाइड हो रहे हैं, परफेक्ट तो दुनिया में कुछ नहीं होता ना, लेकिन एक सिस्टम तो बनाया गया ना, ठीक है। और इंडिया अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सजेशन ना साइन करवाता, ठीक है, फिर एक और बात थी। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है वहाँ पे दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया में एक सिर्फ जो कश्मीर की आवाज है वो पाकिस्तान है। वहाँ पे आप जाहिर है कि देखें ना, इस वक्त OIC के भी जो कमीशन आया उसको भी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में नहीं जाने दिया गया, भारतीय गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया। तो यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर क्या कर रहा है, जाहिर है इसके ऊपर तो फिर कोई देखें। अब आप सीरिया ले लेना, सीरिया में जितने ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुए कहीं भी नहीं हुए, इतने मिलियन बंदे मारे गए और इतना बुरा हाल हुआ, उसके ह्यूमन राइट्स एक और चीज़ है। लेकिन अगर आप अगर देखते हैं उस वॉर को कि अगर एक एक सॉवरन कंट्री है, अगर उस पर बम्बार्डमेंट कर रहा है विदाउट कनेक्टेड विद डमास्कस, इट्स रॉन्ग ना। इसका मतलब है वो बेशक असर पर कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मुल्क हमारा ठीक ठाक था, हम चला रहे थे, ये सारे इलाके मेरे इस तरह क्यों मारना शुरू कर दिया, आप लोग प्रॉपर तरीके से बढ़ते और मुल्क चला था, सेकुलर कंट्री था, उसमें इतनी तरक्की हो रही थी और दे वर लिविंग गुड, आई वेंट टू डमास्कस बिफोर द वॉर। लेकिन ये एक और डिबेट है ना। अब हम तो इस वक्त हमने तो पहले ये चेक करना है कि व्हाई इज इट हैपनिंग ना,
वाई द इंडियन गवर्नमेंट डू रहा है, वो क्यों नहीं बॉम्बे में कहा रहे, वो यहाँ पे क्यों कहा रहे हैं ना, और क्या ये वहाँ के कश्मीरी हैं वो पीस चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, अगर पीस चाहते हैं तो एक और मौका दी ना ये कश्मीरियों को, कम से कम वो मौका तो दे कि वो चाहते क्या है। एंड ऑफ द डे अगर आप हमारे पेपर्स पढ़ें तो हमने उनको यही कहा है ना कि लेट प्लेबिसाइट हैपन, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो जाएँ, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं इंडिया के साथ चले जाएँ, और अगर इंडिया के साथ नहीं रह सकते तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की साइड पर आ जाएँ, लेकिन वहाँ फीस दोनों कंट्रीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने तो कहा है ना। और हमें यही सोचना चाहिए कि ये एक तो हमें पहले पहला हमारा स्टेप ही होना चाहिए कि हम इंसाफ करें जो यहाँ तक इंसाफ होता है, उसके बाद फिर हम उन पे एहसान करें ना कि चलो ठीक है हम तो मदद करते हैं आप, मैं भी देखें ना मिसाल के तौर पे। अच्छा ये प्लेबिसाइट से पहले क्या उनके उनकी जब खबरें आती हैं वो बेचारे जब उनके शोदा होते हैं वो अपनी मैयतों को भी पाकिस्तानी परचम में लपेटते हैं, पाकिस्तान मैच जीतता है तो आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, 14 अगस्त पर आपने देखा कि वहाँ पर कितनी खुशियाँ मनाई गई, तो क्या ये रायशुमारी से बढ़ के चीज़ नहीं है? हाँ उसमें एक डिबेटेबल सिचुएशन बहरहाल है, और हम मैं तो ये समझता हूँ कि इसका जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकालते उनके लिए भी बड़ा मसला है, कितनी देर से चलेंगे आज की दुनिया कितना में? चलेंगे कितना चलेंगे, डिफेंस बजट स्पेंडिंग कितनी ज्यादा करेंगे, दोनों मुल्कों को आप देखेंगे कश्मीर को एक दफा इंडिपेंडेंट होने दें, ना वो इंडिया के बगैर चल सकेगा ना वो पाकिस्तान के बगैर चल सकेगा, क्या आपको किसी एक मुल्क में वीजा देना है हमारा नेबर मुसीबत में आ गया तो वी ऑल हैव अ प्रॉब्लम ना, तो लेकिन अब इंडिया को इस बात को एक्सेप्ट करे तो फिर अब इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान बल्कि इसमें ईजी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बड़ा सही तरीके से चल रही है और वो किसी किस्म की रेबल्स को सपोर्ट नहीं करती, वो तो उस वक्त भी कहते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल कहते हैं पाकिस्तान चाहता था कि अटैक करे, लेकिन दैट्स जस्ट लॉट ऑफ थिंग्स वन ऑफ देम, लेकिन इवेंचुअली इसका मसला यही है कि इस पर प्लेबिसाइट हो उनका हक रायदही जो है उनको दिया जाए और वो अपनी किस्मत का फैसला करें जो मौकिफ ज़ाहिर है कि इसके लिए पाकिस्तान उनकी सियासी इखलाकी और सिफारती मदद करेगा और ये पाकिस्तान इसके ऊपर कमिटेड है कि वो मदद करेगा। नाज़रीन जमाल कैसर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जमाल साहब, आप लिखते हैं आप रिकमेंड करते हैं और आपका शिकवा भी है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर नहीं गए, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को वाकई लेके जाना चाहिए, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ा प्लेटफॉर्म है? नहीं, इस पर फ़र्क ये है कि बड़ा प्लेटफॉर्म में से कोई भी नहीं है, लेकिन मिसाल तौर पे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके उन्होंने आपको एक रूल दे दिया, ठीक है, उसको दोनों मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेते तो आपको एक वर्डिक्ट हाथ में आता है, यानी कि फैसला आता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्यूजेशन करते रहते हैं, इल्ज़ाम जब 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 सामने आता है तो फैसला एक चीज़ पर होता है, वो फैसला क्या है ना, तो वो फैसला हो तो आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं, वरना एक्सिक्यूट कोई भी नहीं कर सकता। कुलभूषण जाधव का मामला जब भारत लेकर गया ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उस वक्त इंडिया में कुछ सोच ये उभरी, वहाँ पे लोगों ने कहना शुरू किया कि ये गलत इकदाम हुआ है क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए रास्ता खुल जाएगा कश्मीर के इशू को वहाँ पर लेकर जाना। हाँ ये तो देखे ना, ये तो साफ ही बात है, ठीक है ना, और मैं समझता हूँ इसलिए पाकिस्तान के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट, तो मसला भी किसी पॉइंट पर आए, एक इंटरनेशनल वर्डिक्ट हाथ में हो और उसमें ये नहीं सोचा चाहिए। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद मंजूर हुई है 60 साल पहले, तो इंटरनेशनल वर्डिक्ट और कौन सा होना चाहिए? नहीं, नहीं। दो चीज़ें देखें ना, आपने जो तीन चीज़ें कही थी कि पाकिस्तान अपने लोगों को वहाँ से निकाले, उसके बाद दूसरा था कि भारत जो है वो अपनी फौज को कम से कम वहाँ पर करे, तरह कि देख लें कितने 6 लाख की फौज है वहाँ पर, तीसरी और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईली मिलिटराइज इस वक्त अगर कोई रीजन है तो वो कश्मीर है, और तीसरा उनका जो प्लेबिसाइट राइट था रायशुमारी भारत उनको दे, ये नहीं हो रहा। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें उसको 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 जो एक्सिक्यूट कराना है ना, उसका एक फैसला, मुझे पता आप ये कह रहे हैं कि अगले स्टेप पे भी इंडिया नहीं मानेगा, फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर इंडिया के पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, चूँकि ये जो जितने रेजोल्यूशन है ना, ये तो आप समझ लें सारे कंट्रीज मिलके जो 5 मेंबर टीम थी और सारे जो बात थिंक टैंक्स थे उनका एक व्यू था ना, जो फाइनली दोनों कंट्री के पास आ गया, अगर दोनों कंट्रीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती तो वह ख़त्म हुई थी बात।
ठीक है, क्योंकि वॉर तो नहीं हो रही ना जिसमें उन्हें फटाफट वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, लेकिन जिम्मेदारी जाहिर है कि जो पहले लेके गया था उसके ऊपर जाहिर ज्यादा बनती है, ज्यादा बनती है। आगे अच्छा मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, आगे चल के देखें क्योंकि देखें कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं पूरी दुनिया के, कमर्शियल इंटरेस्ट जाहिर है कि पाकिस्तान 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडिया 1 अरब 25 करोड़, कोई मैच नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कोई मैच नहीं है। और दुनिया की एक बहुत बड़ी मंडी जो है वो भारत है, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है दुनिया का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो सीपैक के हवाले से आगे लेके चल रहा है। हमारे बहुत से ऐसे ममालिक जिनसे हमारे कभी भी आइडियल रिलेशन नहीं रहे वो सीपैक में जुड़ते जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान के साथ शुरू से खड़ा था, अभी भी खड़ा है। आपके साथ ईरान शामिल होना चाह रहा है सीपैक में, रशिया आपके साथ इसमें आना चाह रहा है, ओआईसी कंट्रीज आपके साथ आने चाह रहे हैं। तो ये जब कमर्शियल इंटरेस्ट हो जाएंगे तो इंडिया कहाँ से अपनी अलग एक दुकान लेके चलेगा? क्या सूनर और लेटर भारत को ज्वाइन करना चाहिए सीपैक को? और अगर करना चाहिए तो फिर ये तमाम ममालिक मिल के कुछ हल निकाल सकते हैं कश्मीर का? देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन वो सीपैक इज़ अ वेरी गुड प्लान, आपने लास्ट में पूछा था, और ये गेम चेंजर है। लेकिन लेकिन फिर भी अगर हमने सीपैक को भी आगे चलाना और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाना है और तो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इकोनॉमी कुछ स्ट्रांग हो, कुछ ऐसे नंबर पे आए। मतलब वो तो बात ठीक है, वो उनकी इंडिया इकोनॉमी कुछ तकरीबन जर्मनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन वो लोग ज़्यादा हैं। और सर अगर वो लोग ज्यादा हैं तो उनके यहाँ गुर्बत भी ज्यादा है। बात यह है कि पाकिस्तान के यहाँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में उससे कहीं ज्यादा लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भूख अफलास बेरोजगारी इंडिया में। मैं इस बात का जवाब इसलिए दे रहा था कि चूंकि आप ये कह रहे थे कि 1.2 बिलियन लोग हैं और हम कम लोग हैं, तो जर्मनी में 80 मिलियन है, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है ना, तो इसका सिर्फ लोग नहीं काउंट करते, बहुत सारी और चीज़ें भी काउंट करते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी काउंट करते हैं जो उनके साथ साइड पे है, वो एक और इश्यू है जो उनका बहुत बड़ा है, मेनली कास्ट सिस्टम की वजह से उनको बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन 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 अगर हमने सुलह ढूंढनी है ना, हमने सुलह ढूंढ रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं सुलह ना, हम चाह रहे हैं कि हम 1.6 बिलियन की इकोनॉमी बन जाए, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ प्रोडक्ट बने वो यहाँ से इंडिया के कॉर्नर तक जाए, और उनका प्रोडक्ट आया हमारे पास आया, वो वैसे भी इतना कम्पीट क्या करेंगे, और चाइना बड़ी अच्छी मार्केट है दरमियान में, लेकिन बड़ी मशीनरी में इंडिया का आजकल कोई मुकाबला नहीं है, दे आर क्वाइट फार, तो उससे हम फ़ायदा उठाएं। और हम लोग ठीक है, हम मज़हब में इकट्ठे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें में तो इकट्ठे हो सकते हैं ना, हमारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो सकती हैं, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर हमें वर्क करना, कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर, जाहिर है कि अब कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होनी चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं पहले जब तक ये फ्लैश पॉइंट स्पेशली और ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल, तो मजीद आप क्या देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि ईस्ट तैमूर में तो बड़ी उसने हलचल दिखाई, बहुत उसने आगे बढ़ा और जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो सेटल करना शुरू की, कश्मीर में बस एक उन्होंने करारदाद मंजूर करके ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद देखे ना, दोनों में से कोई कंट्री भी इंटरेस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गया, अब एक नेक्स्ट स्टेप यही था ना, फिर हमारा प्रेस भी कुछ साल पहले और आज़ाद हुआ, उसने और बोलना शुरू किया, और अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्क हो सकता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कहीं लड़ाई हो रही है और दोनों साइडें कुछ ना कुछ वायलेशंस कर रही हैं, तो इस तरह तो लड़ाई खत्म नहीं होगी ना, उसमें तो हर चीज को अपनी तरफ हमें अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी। सेंसरशिप जो वहां पे लगी हुई है, और वहां पे इंडिया में जब मैंने अभी आपको बताया कि ओआईसी का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो जाना चाह रहा था, उनको इजाजत नहीं मिली, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से क्या व्यू रखती है? वो बात आपने पहले कह दी कि जब तक वो इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है उससे किसने लड़ना है, अब लोग तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी नहीं कह देते कि सिर्फ कॉन्टिनेंट के आप, तो हम कहते चलो कॉन्टिनेंट कह देते हैं, लेकिन हिस्ट्री वॉज डिफरेंट। अगर हमने अपनी तरक्की देख ली, आप यूरोप को देख लेना, यूरोप में कितनी जंगी हुई, कितने बंदे मरे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 100 मिलियन बंदा मरा, लेकिन आज वो इकट्ठे हैं, जो उनके इंटरेस्ट में इकट्ठे हैं, उनको कोई रिलीजियस मैटर्स नहीं आपस में, और इकोनॉमीज बूम कर रही है, तो वी शुड लुक। ठीक है, तो हम भी इसमें देखते हैं कि सूनर और लेटर अल्टीमेटली सीपैक जारे के कमर्शियल इंटरेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ जुड़ने का एक अच्छा होगा, और आप समझते हैं कि कश्मीर का जो मसला है इसको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। और दूसरा, इंडिया जो है वो एक बिजनेसमैन स्टेट भी है ना, बनिया स्टेट कहते हैं यहाँ पे जी, तो
उसको अगर 200 मिलियन की मार्केट में मिल रही होगी ना, तो उसको समझ आएगी। हमें बेशक 1.2 बिलियन के जो हम तो वो हो ना सारे जिम्मेदार। बाद में बार बार जो मैं सीपैक के हवाले से बात करता हूँ वो यही करता हूँ कि कब उसकी समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल कैसर साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाजरीन, हमने व्यू जाना और बड़ा इंतज़ार था हमें कि यूनाइटेड नेशन में जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे जो रिपोर्ट्स देते हैं लोग, वहाँ पे क्या थिंक उन तक क्या चीज़ें जाती हैं, और स्पेशली अगर वो इस वक्त नहीं देख रहे हैं भारत में और भारतीय अफवाज जो हैं, जो काबिज अफवाज इस वक्त वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन और सीवियर किस्म की जो है ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कर रही है, तो उस पर उनका पर्स्पेक्टिव क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।